हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और साथ ही स्टोरी टाइम के एक और बहुत ही अमेजिंग से एपिसोड में करते हैं आप सबको वेलकम। तो आज के हमारे एपिसोड में क्या खास होने वाला है, क्या अलग होने वाला है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, क्या गपशप होगी, तो चले जी आज की जो हमारी इधर के शोर होते हैं ना उनको शुरू करते हैं। मुझे पता है कि वही पार्ट आप सबका फेवरेट है, तो सबसे पहले तो हम आते हैं हमारे आज के बच्चों की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं, उनके पास क्या बातें हैं, क्या चीज़ें हैं हमें सुनाने को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है। ठीक है, आप ठीक हैं? इतना सीरियस क्यों बैठे हुए हैं, थोड़ी सी स्माइल तो करें। स्माइल तो बनती है ना, थोड़ी सी स्माइल और ज़्यादा और। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे, अब ऐसे स्माइल करते रहना, ठीक है? अब अगर आप बीच में मुझे सीरियस नज़र आए तो मैं फिर कह दूंगी कि भाई क्या कोई परेशानी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। आपकी तरफ आते हैं, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। हादिया साजिद। हादिया साजिद, हादिया बड़ी प्यारी लग रही है, किसने तैयार करके भेजा है? मम्मा ने। मम्मा ने तैयार करके भेजा है, और ये मुझे आपके फेस पे एक स्टार भी नज़र आ रहा है, ये किसने दिया है? मामा ने। ये भी मामा ने दिया। अच्छा, वैसे तो मामा जब कुछ स्पेशल करते हैं, बच्चे कुछ अच्छा करते हैं या मामा की हेल्प करते हैं तो उस चीज़ पे स्टार मिलता है। तो आपको किस खुशी में स्टार दे दिया मामा ने? कुछ नहीं। कुछ नहीं, वैसे ही दे दिया स्टार। ओ मतलब मामा चाह रही हैं कि मेरी जो हादियाँ हैं वो मेरी हेल्प किया करें, इसका मतलब ये होगा, है ना? मामा को लगा हुआ कि चलो हादिया को स्टार दे देते हैं फेस पे, शायद हादिया कोई काम करें, मेरे को मदद किया करें घर में। स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ग्रेड वन। ग्रेड वन में पढ़ती हैं, तो मज़ा आता है? बोरिंग तो नहीं होता और या थक तो नहीं जाते कि बस भाई मामा मुझे नहीं अब पढ़ना, बस कर दें, पढ़ पढ़ के थक गई हूँ मैं, ऐसे तो नहीं होता? ट्यूशन जाते हो? ट्यूशन मामा के पास पढ़ती हैं। ट्यूशन मामा के पास पढ़ती हैं, फिर तो लाड ही चलते होंगे पूरा दिन, है ना? फिर तो आप पूरा दिन मामा, मतलब ट्यूशन वाली जो बाजी होती है ना, वो मैंने सुना है भाई बहुत स्ट्रिक्ट होती है। अगर मामा ही पढ़ाती हैं तो सही, पढ़ लेती हैं आप या मामा को पढ़ाई में भी ट्यूशन के टाइम पे भी तंग ही करती हैं? पढ़ती नहीं है। ओए तो ऐसे तंग करती हैं, फिर जब कहती हैं कि मैंने तो नहीं पढ़ना, फिर उसकी जगह पर क्या करती हैं, वो क्या होता है, मतलब पढ़ाई की जगह पर आपने क्या करना होता है? फिर पढ़ना होता है। खेलना होता है? खेलना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। हादिया कुछ अलग ही करना चाह रही है। हादिया फिर क्या करना है? ये तो आपकी बातें सुन के तो कि पढ़ना भी नहीं है, खेलना भी नहीं है, मुझे एक शख्स याद आ गया, उससे ज़रा उनको ज़रा जगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? क्या हाल चाल है बबलू आपकी, सब खैरियत है? अरे बिल्कुल खैरियत नहीं है। मुझे लगा कहने वाले बिल्कुल खैरियत है, खैरियत क्यों नहीं है? आपको पता है आज मैंने आपको कैसे याद किया? अरे छोड़े, जैसे भी याद किया मैं फेल हो गया हूँ। किधर है आपका रिपोर्ट कार्ड बबलू? फेल हो गया? अरे फाड़ दिया मैंने, मैं मैथ के पेपर में फेल हो गया बहुत बुरी तरह। वैसे ये इस बात पे हमें इतना ज्यादा हैरान तो होना बनता नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है कि आपके जैसा आपका प्रीवियस रिकॉर्ड था ना, उसके मुताबिक आपने फेल ही आना था। अरे नहीं, मेरे मैथ में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। हाँ मैथ में अच्छे नंबर आते हैं, ये मेरे ख्याल से पता नहीं ये फिर मैथ का टेस्ट किधर गया आपका, क्योंकि हमने तो अभी तक आपके जितने भी मैथ्स के टेस्ट देखे हैं उनमें तो आपको जीरो ही मिलता है, तो ये कहाँ पे है मैथ्स का टेस्ट, आपने हमें क्यों नहीं दिखाया जिसमें अच्छे मार्क्स लेकर आए थे आप? अरे दिखाया था ना लास्ट टाइम। नहीं, कोई नहीं दिखाया था, वही वाले देखे हुए हमने जिसमें आप जीरो लेकर आते हैं। अरे नहीं, 3 पॉइंट्स आए थे, 3। अच्छा आप फेल हो गए, अब क्या कर सकते हैं, अब ये बताएं आप, जरा पूरा साल पढ़ लेते जरा। आपकी मामा कहती थी, आपका फ्रेंड जो रिंकू है वो आपको कहता था कि बबलू पढ़ लिया करें, अब नहीं पढ़ेंगे तो एंड पे तो फेल ही होना है, अब तो फेल हो गए। नहीं, उसकी वजह कुछ और है। फेल होने की वजह कुछ और है? अच्छा क्या वजह ऐसी? अरे मुझे ये पता था कि मैं मैथ में बहुत एक्टिव हूं, तो इसलिए मैंने उसके पेपर की तैयारी नहीं की। ओवर कॉन्फिडेंट, जैसे हमारे यहाँ पे जो सेगमेंट्स होते हैं ना उनमें भी बबलू हमें यही कहते हैं कि बस खेलने की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो पहले ही जीत गया। ये इस तरह की इनकी ज़रा हरकतें होती हैं, और पढ़ाई में भी अगर बबलू आपकी यही हरकतें रहीं तो आप अगले साल भी फेल ही होने वाले, आप लिखवा लें मेरे से। अगर हमें सिर्फ यही लगे, मुझे रिंकू पर बहुत गुस्सा, आपने चीटिंग में नहीं करवाई बबलू, वो आपको चीटिंग क्यों करवाएगा मुझे ये बताएं। अरे दोस्त है ना मेरा, दोस्त की तो मदद करनी चाहिए। दोस्त की मदद करनी चाहिए लेकिन ये चीटिंग करवा के नहीं, ठीक है? आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। अरे वो अच्छा दोस्त नहीं है, गंदा है। वो एक तो खुद मेहनत नहीं की,
खुद कोई हार्ड वर्क नहीं किया इन्होंने अपने एग्जाम्स को लेके, और अब कह रहे हैं कि दोस्त ने चीटिंग नहीं करवाई। अरे चीटिंग करना तो अच्छी बात है। ये किसने कह दिया आपसे? अरे ये मैंने बोला। गलत बोला आपने, चीटिंग करना। हादिया मुझे बताएं, चीटिंग करना अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। बहुत ही गंदी हरकत की है आपने, और ऊपर से एक्सपेक्ट करें कि कोई आपको चीटिंग करवाए। वाह, मतलब पूरा साल ये बस ये इस तरह का स्टूडेंट बन जाए अगर सारे, तो क्या ही बात हो कि पूरा साल एक तो हमने पढ़ना नहीं है और फिर एग्जामिनेशन सेंटर में फिर हम जाके कहें कि हमारा दोस्त हमें चीटिंग करवा देगा। बबलू उसी सहारे पे आप पूरा साल बैठे रहे? अरे नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल सारा पेपर आता था। तो बबलू तो फिर मसला क्या है भाई, आपको पेपर आता था, मैथ्स में आप बहुत अच्छे थे, तैयारी आप करते थे। अरे तैयारी नहीं लगी, ये क्या बता रहा हूं? बबलू अभी आप कह रहे हैं मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, मेरे टेस्ट में फुल मार्क्स आते थे। लेकिन पेपर की तैयारी तो करनी पड़ती है ना। हाँ तो करनी पड़ती है ना, ये अब आपको क्यों समझ में आ रहा है, पहले क्यों समझ में नहीं आया? ओह चले माफ कर दे मुझे। अब एंड पे ऐसे आ जाते हैं कि जैसे मैं इनको प्रेशराइज कर रही हूँ। देखें अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं, पेपर्स में फर्स्ट पोजीशन लेकर आनी होती है। अच्छा फर्स्ट पोजीशन से याद आया, हादिया आप मुझे बताओ कि आपकी क्या पोजीशन आती है, फेल हो जाते हो एग्जाम्स में या अच्छे मार्क्स लेकर आते हो कि मामा और पापा खुश हो जाते हैं? अच्छे नंबर लेकर आती है। अच्छे नंबर लेकर? ये तो हादिया भी मुझे दूसरी बबलू लग रही है। अरे अंडे लगती है अंडे। एक मिनट रुके बबलू, अभी हादिया ने मुझे कहा कि मैं पढ़ाई में अपनी मामा को बहुत तंग करती हूँ, है ना? अभी और अब आप मुझे कह रही है मैं बहुत अच्छे नंबर। ये कैसे जीनियस बच्चे आ गए हैं आजकल। हम तो जब पेपर का टाइम होता था, टेस्ट होने वाले होते थे, तो हम ओवरनाइट बैठ के पढ़ते थे और फुल पढ़ते थे, खाने पीने का कुछ पता नहीं होता था। ये एक हमारी मिस हादिया को देख लें और हमारे मिस्टर बबलू को देख लें, वो पढ़ाई के बगैर भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आती हैं। हादिया क्या सीक्रेट है, ज़रा हमें भी बताएं, देखने वाले बच्चों को भी बताएं, ताकि हम भी वो सीक्रेट फॉलो करें और हमारे भी बगैर पढ़े अच्छे मार्क्स आते हैं। बबलू कोई सीक्रेट है, कोई राज है इसके पीछे, इनकी कामयाबी के पीछे कोई राज है, हमें बताना नहीं चाह रही। अरे वही राज है जो मेरी कामयाबी में है। आपकी एक मिनट, आपकी कामयाबी कहाँ से आ गई? अभी ताजा ताजा फेल होकर आए हैं स्कूल से, भूल गए हैं। अरे फेल होना भी तो अच्छी बात है। किसने कह दिया फेल होना अच्छी बात है? अरे फेल होंगे तो कामयाब होंगे ना। बबलू फेल होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, और वो भी तब स्पेशली जब आप मेहनत ही ना करें और आप फेल हो जाएं और आप कहें कि फेल होना तो अच्छी बात है। फेलियर इज़ अ लेसन, आपको पता है ना ये बात, कि अगर आप फेल हो गए, अच्छा अगर अभी आप फेल हो गए बबलू, ठीक है, अब अगर आप अगले साल भी फेल हो गए तो फिर बहुत ही गलत हो जाएगा, है ना। अगर आप अभी फेल हुए हैं और अब आप अपनी इस गलती से सीखेंगे और फिर अगले एग्जाम्स तक आप अच्छे से तैयारी करेंगे और उनमें पास होकर अच्छे मार्क्स लेकर दिखाएंगे, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ बबलू का फेल होना अच्छा साबित हुआ कि बबलू ने उससे कुछ ना कुछ सीखा। अरे अगले साल तो मैं फर्स्ट आऊंगा, फर्स्ट। हाँ ऐसे बगैर पढ़े? हाँ बिल्कुल। बबलू ऐसे नहीं चलता भाई, बगैर पढ़े आप पास नहीं हो सकते, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। अरे लाऊंगा लाऊंगा। अच्छा जी जरा कैसे लेकर आएंगे, वो राज मुझे भी बता दें जरा। अरे नकल मार के, नकल। ये मौका नकल मारने वाला, जैसे आपको अभी नहीं ना मिला, हो सकता है अगले साल भी ना मिले। अरे अगले साल तक मैं अच्छा दोस्त बना लूंगा जो नकल मारवाएगा। अच्छा दोस्त से याद आया, पता नहीं है दोस्त इनके कैसे हैं। खैर दोस्त से याद आया, हम अपने दूसरे आज के मेहमान की तरफ आते हैं। अच्छा जी क्या हाल चाल है आपके? ठीक हूँ। ठीक है, बड़े प्यारे लग रहे हैं, आपके स्वेटर का कलर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये आपका फेवरेट कलर है? कौन सा भला, कौन सा कलर है आपके स्वेटर में? ब्लू। अच्छा अब जरा हल्की सी आवाज आई है, ब्लू। ठीक है, इतना आहिस्ता ही बोलते हैं आप कि यहाँ पर अभी आहिस्ता बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? उमर डसेस्ट। उमर, उमर जरा ऊंची आवाज में तो बोले भाई, ये तो गलत बात होगी, है ना हादिया? हम तो अच्छी खासी आवाज में बोल रहे हैं, उमर की तो आवाज ही नहीं हमें सुनाई दे रही। आवाज आ रही है उमर की? नहीं मुझे भी नहीं आ रही, हादिया को भी आ रही। बबलू आपको आवाज आ रही है? अरे बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। देखिए बबलू के जिसके इतने बड़े बड़े कान है उसको भी आवाज नहीं आ रही, मतलब बाकी आवाज कम है, तो जरा ऊंची आवाज में तो बोले ना। अच्छा आप जरा ऊंची आवाज में हमें बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ग्रेड वन। ओए होए होए, अब निकली है ना आवाज, ग्रेड वन में पढ़ते हैं उमर। तो उमर इसी आवाज में आपने हमसे बातें करनी है, ठीक है? अब मुझे जल्दी से ये भी बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। मैथ, आवाज फिर हल्की होगी, चले काम चला ही लेते हैं। मेरा भी मैथ है, मैथ। ये ऐसे मैथ्स फेवरेट होता है कि जिसमें फेल होकर आते हैं। इनका मैथ सिर्फ अंडों तक महदूद है, हर एग्जाम में हर टेस्ट में अंडे लेकर आते हैं, ये आपका मैथ्स है ना? अरे वेरी गुड, देना अंडे, लाता हूं अंडे।
तो बबलू ऐसे अंडे का क्या फायदा होगा जो सिर्फ पेपर तक ही रह जाते हैं, उनको पका के तो आप खा नहीं सकते। अरे खाऊंगा एक दिन, देख लेना। एक पर ही खाएंगे और ऐसे तो खा नहीं सकते। अच्छा, और मुझे लगता है कि बबलू का मैथ्स में सबसे फेवरेट डिजिट भी जीरो ही है। हाँ बिल्कुल, हाँ मुझे लग रहा था कि तभी तो हर एग्जाम में अपनी टीचर से कहते हैं मुझे जीरो चाहिए, है ना। अरे जीरो वो खुद देते हैं, पता नहीं उनको क्या मसला है। उनको पता है ना आपका फेवरेट डिजिट ही जीरो है, इसलिए वो आपको जीरो खुद ही से दे देते हैं, है ना। हाँ, शायद इसीलिए। ये मैंने बबलू को कवर करने की कोशिश की, ठीक है, कि उनका फेवरेट डिजिट जीरो है। बस यही वजह है कि अपने टेस्ट में जीरो लेकर आ जाते हैं, अदरवाइज टेस्ट तो हमारे बबलू मैथ्स का बहुत अच्छा देते हैं, है ना। ऐसा ही है जी। हाँ अच्छा कवर कर दिया बबलू, आपकी इज्जत रख ली मैंने। थैंक यू। हाँ थैंक्स मी लेटर। अच्छा अब आपकी तरफ आएंगे वापस मिस्टर उमर। अब हमें जल्दी से ये भी बताएं कि आप माशाल्लाह वन क्लास में पढ़ते हैं, है ना, तो कोई हमें अच्छी सी कोई चीज तो सुनाएं, कोई कहानी सुना दें, कोई अच्छी सी राइम सुना दें, कोई पोइम वगैरह हो जाए फिर। हाँ क्या सुनाने का मूड है? राइम सुनाएंगे। कौन सी राइम सुनाएंगे? कोबलर। बबलू आपके ऊपर पोइम सुनाने लगे हैं हमें उमर। अरे शेर पे सुना रहे हैं? अरे नहीं कोबलर पे सुना रहे हैं, आप जरा वो से सुनिएगा। चले जी सुनाइए। अरे मुझे कोबरा से बहुत डर लगता है। कोबलर से क्यों डर लगता है? अरे कोबरा। बबलू ये जरा कोई डॉक्टर अरेंज करें, बबलू के कान दिखाएं भाई। कोबरा की बात नहीं हो रही, कोबलर की बात हो रही है। अरे वो कौन है? जो शू मेंड करते हैं ना कोबलर्स। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हम आपकी तरफ आते हैं, प्लीज इग्नोर करेंगे थोड़ी देर के लिए इनको। आप अपनी पोइम सुनाइए अच्छी सी हमें। कोबलर मेंड माय शू, गेट इट डन बाय हाफ पास्ट टू, इट मत टू लेट। हाँ गेट इट डन बाय हाफ पास्ट एट। एट, जबरदस्त। हाथ दे, क्लैपिंग करेंगे उमर के लिए। क्लैपिंग करेंगे। अरे क्लैपिंग। वेरी गुड। अरे मेरे लिए भी दो पिज्जे ले आना। पिज्जे की बात कहाँ से आ गई? जूतों की बात करें, हम जूते ला सकते हैं आपके लिए। अरे वो जूते बनवा के पिज्जा लेने जा रहा है ना। आपको किसने कहा ये क्या आप दोनों की पर्सनल कोई बात हुई है कि जूते बनवा के वो पिज्जा लेने जा रहे हैं? और उसने कहा पर जाने? बबलू स्कूल जाना होगा बेचारे ने। ओहो जाओ भाई जाओ। आपकी तरह हर कोई फ्री थोड़ी ना होता है इतना कि वो पिज्जा ही खाने में बस उनकी जिंदगी गुजर जाए। और भी बड़े काम होते हैं ना उमर, काम होते हैं ना, सिर्फ पिज्जा तो नहीं खाना होता। अब आप पूरा दिन क्या करते हैं हमें जरा बताएं, पहला काम क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, है ना, उठते हैं सुबह, फिर क्या करते हैं? फिर खाना खाते हैं। आप तो चुप करें, ये काम आप करते हैं। हाँ फिर क्या करते हैं? फिर मुंह हाथ धोते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर नाश्ता करते हैं। अरे इंटरप्ट नहीं कीजिए हमें, बड़ा इम्पोर्टेंट हमारी डिस्कशन चल रही है, जरा चुप करें। हाँ मुंह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, देन नाश्ता करते हैं। यही काम तो आपका सबसे अच्छा लगा है हमारे बबलू को, क्या आप नाश्ता करते हैं। अच्छा नाश्ते में उमर को क्या खाना पसंद है? ये सवाल बबलू ने मुझे कहा था उमर से पूछना। तो क्या नाश्ते में पसंद है आपको? दाल चावल। हाँ दाल चावल। नाश्ते में दाल चावल पसंद है? अरे ले आओ ले आओ ले आओ, खाते हैं मिलके खाते हैं। नाश्ते में कौन दाल चावल खाते हैं? अरे मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ। आप भी सब कुछ खा लेते हैं नाश्ते में? नहीं नाश्ते में दाल चावल, उमर नाश्ते में दाल चावल नहीं खाते भाई। नाश्ते में देखें या तो हम पराठा खाते हैं या तो हम ऑमलेट खाते हैं। अरे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठी। बबलू सारी तमीज भूल गए आप, मुझे झूठा कह रहे हैं। अरे आप तो कुछ भी नहीं खाती। आपको किसने कहा है? कभी लाई तो नहीं मेरे लिए? हाँ जरूरी है कि मैं जो खाऊं वो आपके लिए लेकर आऊं। अरे तो मुझे कैसे पता चलेगा? और वैसे भी आप मेरे इतने कोई फेवरेट तो है नहीं कि मैं जो भी खाऊं वो आपके लिए मैं लेकर आऊं। इतनी बुरी हरकतें होती जा रही हैं, आप ही कभी कोई अच्छा काम करें तो आपके लिए हम कुछ लेकर आए ना। ओके मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। ओके फाइन, ये तो मेरे लिए अच्छी बात होगी ना, आप जरा खामोशी रहिए, ऐसे ही रहिएगा जरा दो मिनट के लिए। हाँ फिर नाश्ता करते हैं उसके बाद। उमर बाय द वे नाश्ते में दाल चावल खाता है, ये आज के एपिसोड में हमने डिस्कवर किया, ठीक है। फिर क्या करते हैं उमर? फिर खाना खाते हैं दोपहर का। फिर से सो तो नहीं जाते बबलू की तरह? मैंने आपको कहा था दो मिनट के लिए आप चुप रहिएगा, फिर बोल रहे हैं। हाँ नाश्ता किया उसके बाद फिर दोपहर का खाना खाते हैं। वेरी गुड। और खाओ। हाँ नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना साथ ही ले लेते हैं ताकि ज्यादा एनर्जी आए। फिर क्या करते हैं? और फिर रात का खाना खाते हैं, सो जाते हैं। ऐसे ही करते हैं? नहीं नहीं उन्होंने मना कर दिया, ऐसे नहीं करते, उनके पास जिंदगी में उनको और भी बड़े काम है। अरे शाम का खाना भी खाते हैं ना? हाँ खाते होंगे, लेकिन बीच में क्या करते हैं? खाना खाने के बीच में आपकी क्या एक्टिविटीज हैं? ट्यूशन जाते हैं?
जी हाँ, तो ये अच्छा काम की बात बता नहीं रहे, बस खाने तक महदूद हैं। ये भी क्या, मुझे लगता है बच्चे बबलू को बहुत ही असर होने लग गया बच्चों के ऊपर। हाँ तो ट्यूशन जाते हैं फिर? फिर घर आके शाम का खाना खाते हैं। ठीक है, खाना खा लिया हमने तीन टाइम का, अब इतना खाना काफी है ना, फिर क्या करते हैं? अरे खाने नहीं, और खाने नहीं बच्चे को, आपको क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लग रहा है उम्र के ऊपर ना आपके बहुत असरात हो। अरे खाओ खाओ, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, और खाओ। अच्छा फिर क्या करते हैं? फिर मिडनाइट भी कोई स्नैक लेते होंगे आप, है ना? फिर आधी रात को भूख लगती होगी, लगती है? शुक्र, नहीं लगती भाई, नहीं लगती। अच्छा फिर क्या काम करते हैं आप? उमर कहते होंगे मैं इतना बोलता नहीं हूँ जितना आज मुझे ये बुलवाने की कोशिश कर रही है ना। फिर क्या करते हैं उमर? ट्यूशन से पढ़ के आते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। वो भी यही कहने वाले थे, सो जाते हैं। मतलब बबलू पार्ट वन और इधर बबलू पार्ट टू हमारे पास आज के एपिसोड में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, हादिया आपकी तरफ आते हैं। उमर की बातें अच्छी लगी आपको? लगी, अच्छी लगी है। चले अब आप भी जरा हमें कोई अच्छी अच्छी बातें बताएं। और क्या सुनाएंगे सबसे पहले तो ये बताएं? पोएम। पोएम सुनाएंगी? बड़ा सोच के जवाब दिया है, पहले मुझे लगा कहेंगी कि मैंने तो कुछ भी नहीं सुनाना। सुनाएंगी ना पोएम, पक्की बात है? कौन सी पोएम? जॉनी जॉनी। अच्छा जॉनी जॉनी, थैंक गॉड, जॉनी जॉनी सुनाएंगी। ठीक है पोएम सुनाएंगी, ये भी बड़ी मुश्किल से फैसला किया हादिया ने, और उसके बाद जॉनी जॉनी सुनाएंगी, ये भी बड़ी मुश्किल से हमें बताया। चलिए जी जॉनी जॉनी सुनाए हमें। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइन नो पापा, ओपन माउथ हा 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 हा। जबरदस्त, वेरी गुड, अपने लिए क्लैपिंग करें हादिया, वेरी गुड। बहुत अच्छी पोएम सुनाई है हमें हादिया ने। और यहाँ पर साथ ही टाइम होता है एक अदद छोटी सी ब्रेक लेने का, तो जल्दी से ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, आप लोगों ने देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम वेलकम बैक, ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और यहाँ पर साथ ही टाइम होता है हमारी आज के एपिसोड में हमारी आज की अच्छी सी कहानी को शुरू करने का। तो चलिए जी जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। प्यारे बच्चों और मिस्टर बबलू, हमारी आज की कहानी कुछ यूं है कि एक जंगल में दो जानवर होते हैं, एक होता है गधा और एक होता है मुर्गा। ठीक है, अब इन दोनों में ये होते तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक जो गधा होता है। गधा और मुर्गा कैसे दोस्त हो गए? क्यों हो सकते हैं भाई? भाई देखें बबलू, आपको भी तो मैंने अपना दोस्त बनाया हुआ है ना, तो वैसे ही। अरे वो तो आपकी मजबूरी है, मैं शेर हूं, शेर से दोस्ती करना तो अच्छी बात है। ठीक है बबलू, ओके फाइन, आगे कहानी को हम शुरू करते हैं। बबलू की बात जल्दी से इतनी आसानी से हजम नहीं होने वाली। अच्छा अब हमारी कहानी में कुछ यूँ है आगे कि जो गधा होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता है, उसको खुद पे बड़ा गरूर होता है, उसको लगता है कि मैं बहुत ही समझदार हूँ और बाकी जंगल के जितने भी जानवर हैं वो सारे बेवकूफ़। निकम्मे निकम्मे। हाँ ये गधे को ये लगता होता है कि बाकी सब निकम्मे, सबसे ज़्यादा मेहनती भी मैं हूँ, सबसे ज़्यादा सोचता भी मैं हूँ, सबसे ज़्यादा काम भी मैं करता हूँ, सबसे ज़्यादा अक्लमंद भी मैं हूँ। और दूसरी तरफ जो उसका दोस्त होता है यानी कि जो मुर्गा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद होता है और बहुत ही ज़्यादा सोबर किस्म की उसकी नेचर होती है, मतलब वो गधे की तरह इतना प्राउड नहीं होता। अब होता कुछ यूँ है कि गधा हमेशा मुश्किल में फंस जाता होता है, लेकिन जो मुर्गा होता है वो उसको समझाता होता है कि भाई तुम अपनी अक्लमंदी के चक्कर में इतने ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बन जाया करो कि तुम हमेशा मुश्किल में फंस जाया करो और बार बार मुझे तुम्हें बचाने के लिए आना पड़े। गधे ने कहा तो तुम्हें कहा किसने कि तुम मुझे आके मेरी मदद करो या मेरे लिए आकर कोई काम करो? मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए खुद ही काफ़ी, मैं अपनी मदद खुद ही कर सकता हूँ। अरे मुर्गा तो बहुत अच्छा है। गधा अच्छा कहाँ से? अरे मुर्गा, मुर्गा अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा मुर्गा अच्छा है और गधा आपकी तरह ओवर स्मार्ट। इस मुर्गे के टिक्के खाने में कितना मजा आएगा? आपको, आपने अभी तक टिक्के नहीं खाए बबलू? अरे नहीं। जब तक आप टिक्के नहीं खाएंगे ये टिक्कों के पीछे पड़े रहेंगे, पता नहीं टिक्कों से इनको क्या मोहब्बत है ऐसी खास। अब आगे भरी कहानी में क्या होता है कि वो जो गधा होता है, एक दिन वो गधा एक खेतों में जा रहा होता है। ठीक है, खेतों से पहले एक जगह पर बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई होती है, वो क्या करता है उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी लग जाती है, वो मिट्टी में खेलता कूदता है बड़ा अच्छे से एंजॉय करके, अपना खेल कूद के मिट्टी अपने ऊपर सारी लगा के वो खेतों के अंदर घुस जाता है। और जब वो खेतों के अंदर जाता है तो वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी सारी बैल खड़ी होती है। ठीक है,
तो वो जब गधा देखता है बैल को, तो बैल बड़े गुस्से से उसको देख रही होती है। तो गधा जैसे ही देखता है कि अच्छा ये मुझे गुस्से से देख रही है, तो वो डबल गुस्से से और अपनी आंखों को इतना बड़ा बड़ा करके वो उसको गुस्से से देखने लग जाता है। तो वो वहाँ पर एक तरफ बैल खड़ी हुई है गुस्से से और दूसरी तरफ गधा खड़ा है। जब मुर्गा ये देखता है कि एक तरफ गधा खड़ा हुआ है, एक तरफ बैल खड़ा हुआ है, अगर गधे ने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी तो बैल ने तो एक टांग मारनी है और गधे ने वहीं पर गिर जाना है। तो अरे टांग जो गधा मारता है गधा, अरे बैल भी बहुत जोर की टांग मारती है, आपने कभी देखा नहीं है क्या? अरे बैल तो सर मारती है, तो सर भी मारती है लेकिन वो टांग भी मारती है। अब यहाँ पर मुर्गे को बेचारे को होता है खतरा, क्योंकि वो गधा जैसा भी है वो उसका दोस्त होता है और उसको उसकी ये कोशिश होती है कि वो किसी भी तरह से उस गधे की जान को बचा ले। तो वो क्या करता है कि बैल को ज़रा साइड पे करने के लिए वो फटाफट उसके बैल के सामने जाता है और बैल से बात करना शुरू कर देता है। बैल कहता है कि तुम ज़रा साइड पे हट जाओ मुर्गे, मुझे इस गधे को मज़ा चखाना है, ये कैसे मुझे इतने गुस्से से देख रहा है हालांकि मैं इसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो मुर्गा कहते हैं अरे जाने दे ये गधा तो, इसको एक बीमारी है। बैल कहता है कि अरे भाई इसको ऐसे क्या बीमारी है, मुझे भी तो पता चले। तो फिर मुर्गा उसको ज़रा कहानी बना के बताता है और कहानी वो ये बनाता है कि अरे आपने जो गधे के ऊपर देखा है ना कितनी सारी मिट्टी लगी हुई है। बैल कहते हैं हाँ मिट्टी तो लगी हुई है। मुर्गा कहता है कि ये मिट्टी इसके ऊपर दरअसल इसकी स्किन पे एलर्जी हुई हुई है, जिसकी वजह से ये मिट्टी में जाकर अपने जिस्म पर खुजली करता है, खारिश करता है और इसकी एलर्जी खत्म हो जाती है तो वापस मिट्टी। अरे तो खारिश लगी है। हाँ अरे गंदा कितना गंदा है, नहाता नहीं है। अरे बब्बू मुर्गी ने कहानी बनाई है, वो गधे को बचाना चाह रहा है जिसकी वजह से उसने कहानी बनाई। अच्छा यानी कि झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलना अच्छी बात है। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, वो अपने दोस्त की जान बचा रहा है झूठ बोल के। अच्छा अच्छा आपको बबलू आपको पता नहीं कि अगर आप दो लोगों के बीच में लड़ाई को बचाना चाहते हो और उसके लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ भी अच्छा होता है। अच्छा हाँ ये आज की बात आप पिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे फिर क्या होता है कि वो जो गधा होता है वो तो साइड पे हो जाता है। मुर्गा जब ये सारी कहानी बैल को बताता है तो वो बैल कहता है कि अच्छा तो ये मामला है। मुर्गा कहता है कि हाँ अगर आपने गधे से लड़ाई की या गधे को टच कर दिया तो वो जो एलर्जी है ना स्किन एलर्जी वो आपको भी लग जाएगी। तो बैल तो ज़रा डर जाता है, वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है इसको तुम जल्दी से इन खेतों से बाहर ले जाओ ताकि ये एलर्जी मेरे ऊपर ना आए। मुर्गा अपने दोस्त गधे को उन खेतों से बाहर ले जाता है और जब वो उसको खेतों से बाहर लेकर जाता है और देखता है गधा के बैल तो वापस दूसरी तरफ चला गया, तो गधे को ये लगता है कि उससे डर के वो बैल उन खेतों से भाग गया है। तो खैर ये तो गधे को हर टाइम अपने जैसे हमारे मिस्टर बबलू ओवर स्मार्ट रहते हैं ना, ये गधा भी जरा उसी तरह का ही है, उसको भी ये लगता है कि भाई मुझसे सब डर के भाग जाते हैं। एनीवेज यहाँ पर ये सब कुछ हो जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि एक जंगल में दरख्त के ऊपर वही वाला मुर्गा बैठा होता है और नीचे गधा खड़ा होता है, वो दोनों अपनी मजे मजे की बातें कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि गधे के पीछे की तरफ से एक शेर जंगल से बाहर निकलता है। तो जब मुर्गा क्योंकि वो ऊंचाई पर बैठा होता है तो वो ऊंचाई से बैठकर जब देखता है कि गधे के पीछे शेर आ रहा है गधे पर हमला करने के लिए, तो वो मुर्गा ज़रा क्योंकि वो कौन होता है अक्लमंद होता है ना, अक्लमंद है ना हमारा मुर्गा, तो वो अक्लमंद होता है और वो अक्लमंदी को अपनी इस्तेमाल करते हुए वो ज़ोर ज़ोर से बांग देना शुरू करता है। जैसे मुर्गा बोलता है, मुर्गा कैसे बोलते हैं हमें, उमर बताएंगे, उमर कैसे बोलते हैं, मुर्गा कैसे बोलते हैं, कुकड़ू कुकड़ू, हाँ ऐसे बोलता है मुर्गा, म्याऊं म्याऊं बिल्ली बोलती है बबलू। ओ, अच्छा अच्छा ये भी हाँ बनता है क्योंकि फेल होकर आए हैं ना अभी। अच्छा जी फिर आगे वो जब देखता है कि भाई उसके पीछे शेर आ रहा है तो वो फटाफट बांग देना शुरू करता है और इतनी ऊंची आवाज में कुकड़ू कुकड़ू कहना वो शुरू कर देता है। तो सारे जंगल के जानवर जब मुर्गे की आवाज़ सुनते हैं तो वहाँ से डर के भागने लगते हैं और शेर भी जब सुनता है तो उसको मुर्गे की आवाज़ से ज़रा डर, क्योंकि वो इतनी लाउडली बोल रहा होता है तो शेर को भी ज़रा उसकी आवाज़ सुन के डर लगने लग जाता है और वो भी वहाँ से भाग जाता है। जब वो भाग रहा होता है पीछे की तरफ तो वो देखता है कि शेर वापस मुड़ के पीछे भाग रहा है, तो गधे को ये वहम होता है कि इस शेर ने मुझे देख लिया, जिसकी वजह से वो डर के उल्टे पांव वापस जंगल की तरफ भागने लग गया डर के मारे। तो वो गधा कहता है कि अरे मुर्गे देखा तुमने कैसे ये शेर डर के मुझसे भाग गया। मुर्गे ने कहा कि हाँ हाँ अब तुम उसको भागने दो क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर से बला टल गई है। लेकिन वो गधा क्योंकि उसको उल्टी हरकतें करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है तो वो क्या करता है कि वो उस शेर के पीछे भागना शुरू कर देता है और ये सोच के भागना शुरू करता है कि भाई ये यहाँ से जंगल से ही मैं इसको बाहर निकाल दूँ ताकि शेर की वजह से जंगल के बाकी जानवर परेशान
ना हो, तो वो उस शेर के पीछे पीछे भागना शुरू करता है ताकि जंगल से बाहर ही इसको निकाल कर वो वापस आए, और वो बेवकूफ़ उसके पीछे भागना शुरू करता है। शेर अपना भाग रहा होता है, उसके पीछे गधा भाग रहा होता है। तो शेर जब बहुत आगे निकल जाता है और वो मुड़ के देखता है कि इसके पीछे जानवर कौन सा भाग रहा है, तो उसको पता चलता है कि उसके पीछे गधा भागता हुआ आ रहा है। तो वो जब पीछे देखता है, वो कहता है कि अरे मैं तो इसी का शिकार करने जा रहा था, डर के भागा हूँ और शिकार मेरे पीछे खुद आ गया। तो वो बड़े मज़े से उसी टाइम उस गधे पर अटैक करता है और उसको अच्छे से खा पी के इंजॉय करके वो वहाँ से चला जाता है। जब मुर्गा उस गधे का पीछा करते करते वहाँ तक उस जगह तक आता है और वो देखता है कि गधे की ये हालत होगी, उसको तो शेर ने खा लिया। तो वो उसको वो तब कहता है कि अरे गधे, तुम अपनी इतनी ये ओवर एफिशिएंट ना बनते तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। और यहीं पर ही हमारी कहानी तो हो चुकी है खत्म। अब हम क्या करेंगे? अरे वेरी गुड, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हाँ बहुत मजा आया। अब हम करेंगे क्या कि जरा इनकी तरफ बढ़ते हैं और जरा बबलू हमें बताएं आपने हमारी कहानी से क्या सीखा। अरे मैंने इस कहानी से सीखा कि हमें हर मुश्किल में कुकुरुकुरु करना चाहिए। बबलू आप इंसान है ठीक है, कुकुरुकुरु मुर्गा करता है, लेकिन उसपे मुश्किल ये मारेंगे उसे कुकुरुकुरु आपका बनता है क्योंकि आप स्कूल में इतना मुर्गा बन चुके हैं कि अब आपका दिल करता है कि आप भी मुर्गे की तरह कुकुरुकुरु करें। हाँ ये भी बात है। हाँ ये भी बात नहीं है, यही बात है, आप आहिस्ता आहिस्ता मुर्गा बनते जा रहे हैं। आपके बाल भी मुझे थोड़े थोड़े मुर्गे जैसे लग रहे हैं। अरे शेर जैसे, बप्पर शेर जैसे। हाँ बस ये आपकी गलत फहमी है। अब जरा जल्दी से मुझे बताए ना सही वाला मोरल लेसन। अरे यही तो था बबलू मुझे लग रहा था मजाक कर रहे हैं, आपने वाकई यही मोरल लेसन पिक किए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये कुकुरुकुरु की आवाज से सारे डरते हैं। बिल्कुल गलत। जो भाई मैं बात बताना चाह रही हूँ वो तो आपने सुनी ही नहीं। अरे वो क्या, काम की बात थी ना इसलिए इन्होंने नहीं सुनी। तो मोरल लेसन मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ, और हमारी कहानी से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि अगर कोई आपको अकलमंदी की बात समझा रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको फॉलो कर लें, हो सकता है उसी में ही आपकी भलाई हो। और साथ ही साथ हमें ये भी सीखने को मिला कि खुद पर इतना ज़्यादा गरूर नहीं करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अकलमंद ही आप हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि कभी कभी इस तरह की चीज़ें हमें ले डूबती हैं और हमें खतरे में डाल देती हैं। तो इसी के साथ ही ख़त्म हुई हमारी आज की कहानी, और साथ ही लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी से वापस आएंगे, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम वेलकम बैक, ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और साथ ही साथ टाइम होता है शुरू करने का हमारा अगला सेगमेंट जो कि डू यू नो। तो जल्दी से चलकर फटाफट से देखते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आज हमें सुनाई जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं डू यू नो। प्रोग्राम क्या आप जानते हैं, मैं खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े जजीरे के बारे में बताऊंगी। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड कहलाता है, और ये दुनिया में सबसे कम आबादी रखने वाला मुल्क भी करार दिया जाता है। इस जजीरे या मुल्क का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका रहता है, और इसको ग्रीनलैंड का नाम यहाँ आने वाले अव्वलीन स्कैंडिनेवियन रिहायशियों ने दिया है। शुक्रिया, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके वापस आ चुके हैं हम हमारे सेगमेंट से, और साथ ही टाइम बबलू होता है कौन से सेगमेंट का? बबलू आप सही बताएं जल्दी, सही खेल खेल में। शुक्र, तो ये पहले नहीं बता सकते थे, आप भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। अरे भूल गया था मैं, समझा खेल कूद है। ओके, ये अभी तक इनको हमारे सेगमेंट के नाम ही नहीं याद हुए, तो इनसे हम और क्या ही उम्मीद लगाएं। ठीक है जी, तो अभी हमारा साथ ही टाइम होता है सेगमेंट को शुरू करने का खेल खेल में, लेकिन उससे पहले बढ़ेंगे हम हमारे बच्चों की तरफ और उनसे जरा पूछते हैं कि उनका फेवरेट गेम कौन सा है। हादिया आपका फेवरेट गेम कौन सा है जिसको आपको खेलने में बहुत मजा आता और वीकेंड्स में आप उसको खेलते हैं? पकड़न पकड़ाई। ओके किसके साथ खेलती हैं फिर ये इतनी अच्छी? अरे ऊंच नीच का पहाड़ आपका फेवरेट है? हाँ। ओके बबलू किसके साथ खेलते हैं आप बनती है तो आपकी है नहीं किसी के साथ? अरे खुद ही खेलता हूँ, खुद ही अकेले। हाँ अरे अकेले खेलने में क्या मजा आता होगा आपको? अरे बहुत मजा आता है, कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता।
ठीक है जी, इनका कंपटीशन हर चीज़ में खुद के साथ ही होता है, खुद ही अकेले ही खेलते रहते होंगे, पता नहीं लोग भी समझते होंगे ये बबलू का दिमाग ना हो गया। हाँ हादिया तो फिर किसके साथ खेलती है पकड़ पकड़ाई? भाई के साथ। भाई के साथ हादिया मुझे लगता है बहुत सोचने समझने वाली बच्ची हैं, वो बड़ा सोचती हैं 5 मिनट फिर मुझे जवाब देना पसंद करती हैं। हादिया घर में भी ऐसी सोच सोच के बात करती हैं? नहीं। तो फिर मेरे साथ क्यों भाई ऐसा? मेरे साथ भी तो बातें करें, मुझे तो इतना आप सोच सोच के जवाब दे रही हैं। भाई के साथ खेलती हैं? अरे हादिया वो आप पसंद नहीं है इसलिए है ना बबलू, मुझे भी यही लगा कि इनकी ना मेरे से कोई खास नाराजगी है, मैं इनको पसंद नहीं आई हादिया को। ऐसा ही है हादिया, मैं नहीं पसंद आई आपको? आई हूँ। आई हो? आई हूँ जी, मैं पसंद आई हूँ। तो फिर बात क्यों नहीं करी मेरे साथ? जो पसंद आता है उसके साथ तो बंदा बातें शाते करता है, और बच्चों के पास तो वैसे ही इतनी बातें होती हैं। आपके पास तो मुझे लगता है या तो मैं पसंद नहीं आई या मिस्टर बबलू पसंद नहीं आए। मुझे लगता है बबलू पसंद नहीं आए है ना, बबलू पसंद नहीं। हाँ अब पता चला, झूठ बोल रही है, झूठ झूठ नहीं बोल रही, सच सच बोल रही है ना। हाँ बबलू निकल जाए यहाँ से, आपकी वजह से बच्ची मेरे से बातें नहीं कर रही। अरे मैं इससे बात नहीं करता। आप पहले भी कौन सा उससे बात कर रहे थे, वो आपसे बात नहीं कर रही थी है ना। मैं नाराज हो गई इससे। अच्छा हादिया नाराज हो गई, अच्छी बात है। ऐसे नाराज हो गई कि गलत बात हो गई? गलत बात है। चलें फिर मनाएंगे बबलू को, हम एंड पे जाके मनाएंगे ठीक है। वो बबलू थोड़ी देर नाराज़ रहते हैं ना तो हमें ज़रा सुकून हो जाता है, ज़रा थोड़ी देर, ये बस 1 मिनट की खामोशी है, थोड़ा हम सुकून ले लें फिर वापस जाग जाएंगे। अच्छा उमर आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? सोच रहे हैं, सोचे क्रिकेट? अरे नहीं, मार कुटाई। फाइटिंग गेम्स पसंद है? क्रिकेट पसंद है? हाँ वो क्रिकेट पसंद है। तो फिर उमर क्रिकेट किसके साथ खेलते हैं? भाई के साथ। आप भी भाई के साथ खेलती हैं? आप भी भाई अपने भाइयों को साथ नहीं लेकर आए? लेके आए आप, चले मुझे मिलवाइएगा ठीक है। और आप नहीं लेकर आए भाई को? आप भी लेकर आई हैं? चले जी ठीक है, इनके भाइयों से भी हम मिलेंगे। लेकिन उससे पहले जनाब, वैसे तो आप दोनों गेम्स खेलते हैं अपने अपने भाइयों के साथ, लेकिन अभी गेम आप लोगों को खेलनी पड़ेगी मेरे साथ ठीक है। तो तैयार हैं दोनों? Yes. तैयार हैं जी ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि हमने गेम खेलनी कैसे। हमारे पास यहाँ पर कुछ रिंग्स पड़े हुए हैं ठीक है, और साथ ही हमारे पास आगे कुछ बॉटल्स पड़ी हुई हैं। अब आपने क्या करना है कि इन रिंग्स को उनके बीच में डालना है, एज सिंपल एज दैट ठीक है। और जिसने जितने ज़्यादा रिंग्स उनके अंदर ड्रॉप कर दिए उतने ही ज़्यादा आपके स्कोर्स हो जाएंगे ठीक है। अब ये तो हमारा मामला जनाब यहाँ पे हो गया सेट। अब जो मेन इम्पोर्टेंट हमारी बात होती है ना वो ज़रा कर लें। हाँ तो बबलू जल्दी से बताएं किसके साथ अपनी टीम बना रहे हैं? हादिया के साथ। हादिया के साथ ठीक है। तो भाई फिर मेरी टीम उमर के साथ है ठीक है। उमर अगर आप जीते तो समझ लीजिएगा मैं जीत गई, और अगर हादिया आप जीती तो हम समझ लेंगे कि बबलू जीत गई। अरे हम जीत गए। हर दफ़ा नहीं ऐसे चलता, हो सकता है आज के एपिसोड में मैं जीत जाऊँ। ओके लेट्स सी। तो चलिए जी जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं, किसको बुलाएं? हादिया को बुलाते हैं। चलिए जी हादिया जल्दी से आ जाएं अपनी पोजीशन पर। यहाँ पर हमारे पास टाइम लिमिट कोई भी नहीं है, आपने जस्ट सिंपल यहाँ पर गोल करने हैं। जब आपके रिंग्स ख़त्म हो गए तो हम समझ जाएंगे कि आपका टाइम भी ख़त्म हो गया ठीक है जी। तो रेडी हैं? हाँ ये बस ये आपके स्टार की पे नज़र है मेरी, ये जाते जाते आपने मुझे देते जाना है। ये आपके जो फेस पे स्टार है ना अच्छा सा, ये आपने मुझे देते हुए जाना है ठीक है ना। हाँ क्योंकि हादिया को बस आई भी मिल गया तो मुझे हादिया दे दी जाएंगी। चले जी हम जल्दी से अपनी गेम को शुरू करते हैं। ओके तो हादिया रेडी हो? ओके 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी 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 थ्रो करेंगे, दूसरा रिंग उठाएंगे। अरे हादिया ध्यान से जो रिंग गिर गया उसको अरे निशाना बनाकर मारो, निशाना बनाकर फेंके हादिया फेंके। हाँ दूसरा उठाएं। अरे ध्यान से क्या कर रही हो? अभी तक एक भी नहीं हुआ हादिया। लगता है आज उमर और मैं। हाँ हाँ आदिया वेरी गुड वेरी गुड हादिया ठीक है। दूसरा फेंके और उठाएं। बहुत अच्छे और उठाएं, और ये लास्ट है। वेरी गुड जबरदस्त एक्सीलेंट। अरे हम जीत गए, वेरी गुड हम जीत गए। एक्सक्यूज मी जरा इंतजार करें ठीक है, अभी हमने मेरा पार्टनर रहता है अभी। अरे उससे भी एक भी नहीं होगा। उमर आपने जीत के दिखाना है। अरे बिल्कुल नहीं। तो चले जी हादिया आप जीत। सो जाएगा सर, नींद आ जाएगी। वो उमर है बबलू नहीं है कि उनको नींद आ जाएगी ठीक है जी। हादिया ने यहाँ पर 2 स्कोर किए हैं, और साथ ही साथ बारी है उमर की। उमर आप तैयार हैं?
उमर प्लीज 3 स्कोर कर देना, ठीक है, या मिनिमम 2 ही कर देना एटलीस्ट। इनकी तरफ से इंसल्ट होने से तो बच जाएगी मेरी, ठीक है ना? तो 2 करने हैं या 2 से ज्यादा करने हैं, ठीक है? 2 से ज्यादा। हाँ, बहुत प्रेशर आ गया आपके ऊपर, आपने जीत के दिखाया, ठीक है, हमारी इज्जत का मामला आ गया अब, ठीक है? तो 1 2 3 स्टार्ट। अरे सो जाओ सो जाओ। उमर बबलू को बिल्कुल इग्नोर करना है, ध्यान से फ्रॉग पे नहीं डालना, इनके अंदर डाल दे। जोर से करें करें करें, फेंकी जोर से वेरी गुड। उमर कुछ ही चांसेस बचे हैं, जल्दी कुछ तो कर दे। ऐसे जोर से फेंको, जोर से। अरे भाई फेंक दो भाई। फेंके। वो उनकी कोशिश ही यही है आपको हराने की। अरे जल्दी करो जल्दी। अरे निशाना नहीं लगाना, बाहर फेंकना। बबलू की बातों को इग्नोर करना है उमर आपने, लेकिन मुझे लग रहा है आप उन्हीं की बातों को फॉलो कर रहे हैं। और फेंकी, ये 2 चांसेस हैं। ये बबलू वो उमर, अब हम जरा अरे वेरी गुड, और जोर से, दूर 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 फेंकी। ओ क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, बहुत बुरा खेला आपने। वेरी गुड उमर, वेरी गुड। आप प्लीज अपने अरे क्या हो गया, हमारी चली गई, अपनी जगह पर तशरीफ ले जाएं। थैंक यू सो मच। अरे आदिया वेरी गुड, बहुत अच्छा खेला आपने। चलिए जी, यहाँ पर टाइम होता है। अरे नहीं, अभी क्या हो गया बबलू, ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से ब्रेक लेनी पड़ेगी। अरे पहले आपको शर्मिंदगी तो होनी चाहिए। शर्मिंदगी किस बात की होनी चाहिए? अरे हादिया ने 2 स्कोर किए हैं, तो मतलब मैं जीत गई। अच्छा कौन जीता? हादिया आप जीती, तो मतलब मैं जीती ना। हाँ देखें, वो अभी चीटिंग कर रही है। कोई चीटिंग नहीं कर रहे, हादिया जीती मतलब कोई बात नहीं। रोले। हाँ उमर भी देखें, उमर कौन जीते? आप। बच्चे मेरी साइड पे। हादिया कौन जीता? आप। कोई बात नहीं। मतलब बात बच्चे देख रहे हैं ना? कौन से बच्चे देख रहे हैं? स्क्रीन पे जो देख रहे हैं उन्हें तो पता। हाँ, उनको भी पता है मैं जीती हूँ भाई, मैं जीती हूँ ना। हाँ वो भी सब हाँ में सर हिला रहे हैं, मैं ही जीती हूँ। हाँ, आपको किसने कह दिया कि आप जीते हैं भाई बबलू? हाँ, मैं मुझे पता है कौन जीते। हाँ आप बस ऐसे शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर जल्दी से हम ब्रेक लेते हैं। खेल में सेगमेंट मैं जीत चुकी हूँ, और साथ ही फटाफट से ब्रेक लेंगे, जल्दी से वापस आएंगे। आप लोगों ने देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। साथ ही टाइम होता है अगले सेगमेंट को शुरू करने का, तो जल्दी से चलकर देखते हैं हम हमारे आज के एपिसोड का लास्ट सेगमेंट, जो कि है आर्ट प्लैनेट। तो जल्दी से चलकर देखते हैं कि आज हम कौन सी चीज़ सीखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो हम बनाना सीखेंगे वो है मास्क से फ्लावर बनाना। कोविड के टाइम पर सब मास्क पहनते थे, और अब सबके घरों में इसी तरह के मास्क फ्री पड़े होते हैं, तो आए हम इसे यूज़ करते हैं और बनाना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, आपने गौर से देखना है कि जो जो चीज़ मैं इसकी कट करूँगी वो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी, सब फ्लावर बनाने में यूज़ होगी। जिस तरीके से ये इलास्टिक है, इसे कट करेंगे ये भी यूज होगा। सबसे पहले इलास्टिक को कट करके हम साइड पे रख देंगे। अब आपने देखा होगा नोज के फोल्ड पर एक स्ट्रिंग रखी होती है, वो भी हम निकाल लेंगे यहाँ से थोड़ा सा कट लगाकर। ये देखें, ये स्ट्रिंग हमने निकाल ली है, सभी साइड पे रख दिया है। अब जो कि हमारे पास है 4 कॉर्नर्स, इसे भी हम कट कर लेंगे। 4 तरफ से इसे हम कट कर लेंगे। ये यूज नहीं होगा, इसीलिए हम इसे साइड पर रख देते हैं। अब आप जब इसे मास्क को खोलेंगे तो यहाँ आपको 3 लेयर्स मिलेगी। देखें, 1, 2 और ये हो गई 3री लेयर। तो ब्लू वाली जो लेयर है इसे हम सेंटर में ले लेंगे, इसे हाफ फोल्ड करेंगे, कट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ हम ज़िगज़ैग करेंगे, इस तरीके से हमने ज़िगज़ैग कर लिया है। अब इसे टाई कर लेंगे। यहाँ आपको ये स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इसी से ये आप फोल्ड कर सकते हो इसको
नीचे से आपको क्रॉस करते हुए इसे अच्छे से बंद कर लेना है, अच्छे से टाई कर लेना है। ये बिल्कुल हो गया, बिल्कुल टाइटली ये बंद हो चुका है। यहाँ से हम थोड़ी सी कटिंग करेंगे इसे शेप देने के लिए। जो कटिंग करनी है वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा वेवी कटिंग करनी है आपको, ठीक है। ये आपने वेवी राउंड कटिंग कर ली, यहाँ से भी आपने वेवी राउंड कटिंग कर लेनी है, इसे भी साइड पे कर लेंगे। अब क्या करना है, एक एक लेयर्स को आपको ऊपर की तरफ पुल करना है। यहाँ से आपने ऊपर की तरफ पुल किया, अब आप दूसरी तरफ से करेंगे, बिल्कुल दोनों को मिला लेंगे आपस में पुल करते हुए। दूसरी लेयर को भी आपने इस तरीके से पुल किया, दूसरी तरफ से भी किया। वन बाय वन आप सारी लेयर्स को एक एक करके आप इसे पुल करते जाएंगे, इस तरफ से भी करेंगे। जो लास्ट लेयर होगी आपकी वो आप छोड़ देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखिए प्यारा सा आपका फ्लावर का शेप आ चुका है। अब हम इसे बुके का शेप देंगे, तो बुके बनाने के लिए हमें इसके कवर की ज़रूरत होगी, तो हम और दूसरा एक्स्ट्रा मार्क्स ले लेंगे। यहाँ भी हम यही करेंगे, इसकी जो स्ट्रिंग्स है वो हम कट कर लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे, संभाल के रख देंगे। इसकी बॉर्डर्स को भी कट कर लेंगे। अगर आपके पास दूसरी डिज़ाइन का मास्क ना हो तो आप इसी मास्क से भी कवर बना सकते हैं, लेकिन आप यूज़ करेंगे इसका जो वाइट वाला पार्ट होगा आप वो यूज़ करेंगे, तो इसकी लुक अच्छी आएगी। यहाँ से भी हमें थ्री पीस मिल जाएंगे, 1, 2 और 3। तो आप चाहें तो बिल्कुल इसी तरीके का फ्लावर यहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ इसकी कवरिंग बनाऊँगी, तो मैं ये जो इसका डिज़ाइन वाला हिस्सा है वो ले लूँगी, इसे ट्रायंगल फोल्ड करूँगी और यहाँ इसे फ्लावर को रख के इसको इस तरीके से यहाँ से बंद करके थोड़ा सा यहाँ पे क्रीज दूँगी और ये जो इलास्टिक हमने साइड पर रखे हुए थे इसे ले लेंगे। अब इसे टाई करेंगे यहाँ पर, पहले इसका फर्स्ट नोट लगा लेते हैं ताकि फिर आप इजीली इसका बो बना सकें। फर्स्ट नोट लगा लेते हैं हम, यहाँ हमने अच्छे से टाइटली इसका फर्स्ट नोट लगा लेना है। ये अब हम इसका बो बना लेंगे। ये आपका छोटा सा सिंगल फ्लावर बुके रेडी है। अब आप ये यूज़ कहाँ करेंगे? ये आपने पहले देखा होगा कि घरों में मिलाद होती थी तो वो खुशबू वाले फूल मिलते थे, तो आप इसमें थोड़ा सा इत्र लगा के इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये देने के लिए बहुत अच्छा है। इसे हम डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल कलर के फ्लावर्स बना के हम इसका पूरा बुके भी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए क्राफ्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वेलकम बैक जी, सेगमेंट से आ चुके हैं हम वापस और साथ ही टाइम होता है हमारे आज के एपिसोड को ख़त्म करने का। जनाब मुझे उम्मीद है कि आपने आर्ट प्लैनेट से कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ ना कुछ नया सीखा होगा जो आर्ट में आपको हेल्प आउट करेगा। तो जनाब अगर आप भी चाहते हैं स्टोरी टाइम के सेट पे मौजूद होना तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे सेट की रौनक बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पूरा टीवी का कोई भी प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो आप लोग पूरा टीवी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को आराम से किसी भी टाइम विजिट करके अपना पसंदीदा शो आराम से बैठ कर देख सकते हैं। जनाब अगले एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।